जो हमारी आस्था के केंद्र हैं उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ आप सामान्य कार्रवाई करते हो, तो व्यक्ति के खिलाफ बोलने में कैसे राजद्रोह होगा। कालीचरण जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो विधि मान्य नहीं है, उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। FIR होने के बाद में उसकी जांच होती है, नोटिस दी जाती है, बयान लिए जाते हैं और उसके बाद में गिरफ्तारी होती है, तो ये तो अतिवादी कार्रवाई है छत्तीसगढ़ की सरकार की। और मध्य प्रदेश में ये देश में संघीय ढांचा है, अगर छत्तीसगढ़ में भी किसी को गिरफ्तार करने के लिए बाहर की पुलिस आती है तो यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करती है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए, बिना वहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत किए जो गिरफ्तारी है ये विधि सम्मत नहीं है। और गांधी जी के मामले में जो सहिष्णुता के पुजारी थे वो तो उनका तो कहना होता था कि हमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे भी हमको, और गांधी जी के नाम पर इस प्रकार की कार्रवाई करना ये मुझे लगता है कि विधि सम्मत नहीं है। और जो लोग छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के खिलाफ, प्रभु राम के का अपमान करते हैं, माता सीता का अपमान करते हैं, ब्राह्मण समाज को पूरी गाली देते हैं, समाज का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो छत्तीसगढ़ की पुलिस या सरकार जो है वो कभी एक्टिव नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उनको गिरफ्तार नहीं करती है। और गांधी जी निश्चित रूप से सम्माननीय है, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे, परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार गांधी जी के सिद्धांतों का, उनकी जो सहिष्णुता का उनका जो सिद्धांत है उसका ही पालन नहीं कर रही है, तो इसमें फिर मुझे लगता है इसमें गांधी जी के प्रति जो लोगों के मन में सम्मान है वो कम होगा। गांधी जी के मामले को लेकर जो वो सहिष्णु थे वहां पर सरकार असहिष्णुता दिखा रही है। आपने रिलीज कालीचरण की मांग की है, कालीचरण को छोड़ना चाहिए, ये पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है, मैंने उसको रिट्वीट किया है।